सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया, कहा सपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी चुनाव में अकेले जाएगी, बीएसपी कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं खारिज की। कमलेश हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा में बाइक सवार दो युवकों ने फायरिंग की, फायरिंग करते हुए युवक की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एटा में डीएम सुखलाल भारती ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान मिड डे मील को लेकर नाराजगी जताई और हेडमास्टर को निलंबित कर दिया, साथ ही रसोईया को निलंबन कर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुरादाबाद में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई, कार्रवाई के दौरान शराब की भट्टियां जलती हुई मिली है, मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी का है। आगरा में बाइक सवार दो युवकों ने फायरिंग की, फायरिंग करते हुए युवक की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रतापगढ़ के रानीगंज के चौहरजन पुल जंगल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। हापुड़ में आगामी त्योहारों और कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर गढ़ कोतवाली में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मीटिंग की। कमलेश तिवारी की मां ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बयान दिया, कमलेश की मां ने एटीएस की तारीफ की, कहा गुजरात ने बेहतरीन काम किया है, साथ ही कमलेश के बेटे ने कहा जल्द सुनवाई कर आरोपियों को फांसी दिलाई जाए। एटा में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां सात आरोपियों ने मां और भाई के सामने नाबालिग लड़की का अपहरण किया, उसके बाद झाड़ियों में जाकर उसके साथ रेप किया, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। बरेली में चिंगारी की वजह से घर में रखे अवैध पटाखों की फटाखों में भीषण आग लग गई, आग से आसपास हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर में किशोरी ने नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, मामला पनकी के सीएनजी पेट्रोल पंप हाईवे का है। कन्नौज में सैटेलाइट द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर एक किसान पर खेत में पराली जलाने को लेकर कार्रवाई की गई, बता दें युवक खेत में पराली जला रहा था, जिसकी जानकारी एनजीटी को हो गई। कानपुर में त्योहार के मद्देनजर एफएसडीए ने गोदाम में छापेमारी की, टीम ने छापेमारी के दौरान अवैध खोया बरामद किया और साथ ही खोया छेना और मिल्क केक के नमूने लिए हैं, बता दें गोदाम का लाइसेंस भी नहीं था, दर्शनपुरवा में योगी मिष्ठान भंडार के नाम से अवैध सामान बेचा जा रहा था। एटा में फूड विभाग टीम और पुलिस ने जलेसर दौलतपुर मुस्की में चल रहे अवैध दूध कारोबार अड्डे पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने सिंथेटिक दूध बनाने का केमिकल बरामद किया और साथ ही तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर में एक दबंग दामाद ने अपने ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी, बता दें आरोपी दामाद द्वारा पत्नी से की जा रही मारपीट का विरोध कर रहा था, जिससे आक्रोशित होकर दामाद ने घटना को अंजाम दे दिया। बुलंदशहर गांव बेलोन के सर्व मंगला देवी मंदिर पर आने वाले चढ़ावा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। बांदा में शराब पीने से युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ा, नशे में धुत युवक ने परिजनों के साथ मारपीट की, जिसके बाद परिजनों ने हाथ पैर बांधकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ से सड़क मार्ग से होते हुए रायबरेली के बछरावा के चुरवा मंदिर पहुंची, चुरवा मंदिर में प्रियंका का काफिला रुका, प्रियंका ने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा यूपी में महिला अपराध सबसे ज्यादा है, एक साल में 56,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, बहुत सी घटनाओं की तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।
लखनऊ में योगी कैबिनेट की लोक भवन में अहम बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में राज्य स्टेपेज प्रबंधन नीति को मंजूरी मिली। रायबरेली सिवरेज योजना फेज 3, रेगुलर टीचर को 7वां वेतनमान समेत कई प्रस्ताव पास। अमेठी में राज्यपाल आनंदीबेन वृद्धा आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने राजगढ़ वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। लखनऊ के लंबाग बस स्टेशन पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2500 ड्राइवर्स और कंडक्टरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 27,500 मिट्टी के दिए वितरित किए गए। कार्यक्रम में कर्मचारी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। आगरा में हाथ जोड़कर फ्रांस पर्यटकों ने पर्यटन पुलिस का धन्यवाद दिया। बता दें, मोबाइल गुम होने से पर्यटक परेशान थे। सूचना के बाद पर्यटन विभाग ने मोबाइल ढूंढा, जिसके बाद मोबाइल पाकर महिला पर्यटक काफी खुश हो गई। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्र की पिटाई से आहत छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर हंगामा किया। महोबा में सिंचाई विभाग प्रखंड में कार्यरत अमीन रजनीश शुक्ला ने किसानों की जमीन के पट्टे रिन्यूअल के लिए 1500 रुपए की रिश्वत ली। फिरोजाबाद जिला कारागार में रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस स्टेशन के माध्यम से जेल में सभी बंदियों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी जाएगी। कौशाम्बी से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पिता ही अपनी दो सगी बेटियों के साथ रेप करता था, पत्नी के विरोध करने पर मारपीट करता था। पीड़ित बेटियों ने पिता के खिलाफ थाने में तहरीर की। आगरा में महिला पर्यटक के साथ शर्मनाक हरकत हुई। थाईलैंड की महिला पर्यटक के साथ फोटोग्राफर्स ने बदसलूकी की। इससे परेशान होकर महिला पर्यटक ने संरक्षण सहायक से 3 फोटोग्राफर्स के खिलाफ शिकायत कर दी है। संभल में गुन्नौर तहसील के दुपटा कला गांव में मकान गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। शख्स की मौत परिजनों में कोहराम मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर के डूडा ऑफिस में टॉर्च की रोशनी में काम कर रहे अधिकारी और फरियादी, कार्यालय में नहीं है इन्वर्टर का इंतजाम। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे एडीजी जोन एसएन सावंत ने अयोध्या के सुरक्षा प्लान का खुलासा करते हुए कहा, अयोध्या में 2 चरणों में सुरक्षा बलों का आगमन होगा। पहले चरण में दिवाली और दूसरे चरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले होगा। मिर्जापुर जीआरपी ने ट्रेनों में असामाजिक तत्वों की खोज के दौरान अवैध रूप से शराब ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 50,000 की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। एटीएम में स्कीमर लगाकर कार्ड की क्लोनिंग कर बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले 2 अभियुक्तों के जरिए गिरोह तक पहुंचने की उम्मीद से लखनऊ की एसआईटी केरल गई, जहां केरल में दोनों अभियुक्त एसआईटी को चकमा देकर भाग गए। गोरखपुर में त्योहारों के चलते खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापेमारी की। चौरी चौरा डुमरी खास में लक्ष्मी लाई उद्योग पर चने में रंग मिलाने के साथ ही मिस ब्रांडेड लाई के पैकिंग बरामद की गई। सहारनपुर के देवबंद में चर्चित बीजेपी सभासद चौधरी धारा सिंह की हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनदहाड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्त रिश्ते में सगे भाई हैं। अयोध्या में कमलेश तिवारी हत्याकांड पर एडीजी जोन ने कहा, 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और ट्रांजिट रिमांड पर 3 आरोपियों की लखनऊ में पूछताछ चल रही है। गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र में आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों ने सड़क जाम किया। प्रिंसिपल व अध्यापकों पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है, शिक्षकों की मनमानी के कारण छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। एटा में फूड विभाग की टीम और पुलिस ने छापेमारी करते हुए सैकड़ों लीटर सिंथेटिक दूध और दूध बनाने का केमिकल बरामद किया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए गुटखा लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूटकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर में जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एडीजी ट्रैफिक, एडिशनल एसपी सहित मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर अचानक निरीक्षण किया गया। कानपुर शहर में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए डीजीसीबी सीआईडी वीरेंद्र कुमार कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी समेत पुलिसकर्मियों के साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर बैठक की। गोरखपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें दलितों पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए चर्चा की गई। लखनऊ में कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट में पेश करने को लेकर संशय बरकरार है। कई राज्यों की पुलिस के साथ लखनऊ क्राइम ब्रांच भी पूछताछ में जुटी है। लखनऊ कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में अमित शाह के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए।
मुजफ्फरनगर में प्रदेश सरकार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने धरना दिया। 10 दिनों से सिसौली कस्बे को तहसील न बनाने की मांग पर अधिवक्ता ने धरना दिया। गाजियाबाद के मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 गोलियां मारी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान के 119वें जन्मदिन मनाया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती भी पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती है। बुलंदशहर जिलाधिकारी ने एआरटीओ कार्यालय में विकास भवन में औचक निरीक्षण किया, जिसमें मिले नदारद कर्मचारी अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। बागपत जिला प्रशासन और ग्राम प्रधान के उत्पीड़न से परेशान 100 परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है और गांव पर मकान बिकाऊ के पोस्टर व पलायन में पोस्टर चस्पा दिए गए और वाहनों से में अपना सामान लोड कर गांव से पलायन कर रहे हैं। चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न के आरोप में एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है। वीडियो क्लिप की फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट नहीं आई, जिसकी जानकारी कोर्ट को दी गई। पीड़िता की ओर से कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की गई है। स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाने वाली छात्रा और उसके पिता समेत उसके दोस्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की मांग की। डीजीपी ओपी सिंह की पत्नी ताज नगरी आगरा के पुलिस मॉडर्न स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने मॉडर्न स्कूल की नवनिर्मित बिल्डिंग का लोकार्पण किया और बच्चों से शिक्षा को लेकर बातचीत की। इस दौरान एसएसपी बबलू कुमार मौके पर मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में खाद्य और आपूर्ति विभाग ने मुखबिर की सूचना विशेष अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य विभाग ने 10 लाख मूल्य के 5 टन मिलावटी पनीर को जब्त किया। इससे पहले भी 20,000 के रसगुल्ले को नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान कई स्थानों से बेची जा रही खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए गए। बलिया में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई तेल की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने कई दुकानों से सैंपल लिए। मेरठ में फूड एंड ड्रग विभाग ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में सोया से बनने वाले पनीर और अन्य प्रोडक्ट्स बरामद हुए। ये प्रोडक्ट बिना पैकिंग डेट के पैक किए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान एक साथ सैंपल लिए गए और 30,000 मिलीलीटर सोया मिल्क को सीज किया गया। मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की टीम ने एक कार से करीब 6 क्विंटल मावा बरामद किया और कई दुकानों के साथ साथ सरसों के तेल के गोदाम में छापेमारी की और कई नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। कानपुर में डीजी सीबीसी आईडी वीरेंद्र कुमार ने जिला कारागार पर छापेमारी की। सीबीसी आईडी जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान एसएसपी अनंत देव के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गोरखपुर में आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल और टीचरों पर तानाशाही का आरोप लगाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छात्रों को समझाने की कोशिश में जुटी। रामपुर में सिटी मजिस्ट्रेट ने शौकत अली मार्ग पर मारुति वैन से चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में यूपी खेत मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। भोजन, रोजगार और गरीबों के सम्मान में प्रदर्शन किया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद वृंदा कराज शामिल रही। लोक सेवा आयोग में धांधली के मामले में सीबीआई टीम जांच के लिए प्रयागराज पहुंची। एसपी विजयेंद्र कुमार के नेतृत्व में पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ से पूछताछ की गई। सीबीआई ने परीक्षा अनुभाग से पूछताछ की। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रैगिंग के मामले में 10 छात्रों को निलंबित किया गया। निलंबित छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने को कहा गया। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आर एस दुबे ने यह जानकारी दी। बाराबंकी में पुलिस ने ट्रक से ले जाए जा रहे 12 गौवंशीय पशुओं को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने चालक समेत क्लीनर को हिरासत में लिया। मामला राम सनेही घाट इलाके के हाईवे का है। बागपत के बड़ौत में 50-60 परिवारों ने अपने मकान में पलायन के पोस्टर लगाए। मलकपुर गांव के लोगों ने विकास न होने के चलते पलायन का पोस्टर लगाने का आरोप लगाया। गाजीपुर में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी अपने वोटर छात्रों के पैर पकड़कर वोट की भीख मांगते नजर आए, जिसकी तस्वीरें सामने आई। हाथरस में गांव में घुसे सांड ने जमकर तांडव मचाया। सांड के हमले से 3 ग्रामीण घायल हो गए। सूचना के बाद भी वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे। कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही स्वागत समारोह के दौरान कांग्रेस जन आपस में भिड़ गए और नोकझोंक करते हुए हाथापाई पर उतारू हो गए। माहौल बिगड़ते देख वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हस्तक्षेप पर किसी तरह से मामला शांत कराया। आगरा में ताजमहल के बाहर पर्यटकों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। टिकट खरीदने के बाद भी पर्यटक ताजमहल में एंट्री नहीं कर पा रहे थे। हमीरपुर में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। विधुओं और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी के साथ ही मौके से महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
मथुरा में अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। मैनपुरी के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में गुंडई सीसीटीवी कैमरे में कैद अज्ञात तीमारदारों ने इमरजेंसी के स्टाफ के साथ मारपीट की। पीलीभीत में पुलिस का वसूली करते हुए वीडियो सामने आया है। पुलिस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीसलपुर कोतवाली इलाके की खनका चौकी का मामला है। बाराबंकी में करीब 12 फीट का अक्षर निकलने से लोगों में दहशत फैल गया। मामले की जानकारी वन विभाग और डायल 100 को दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को पकड़ लिया। संत कबीरनगर में रेलवे ट्रैक के किनारे शातिर अपराधी का शव पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपराधी हत्या जैसे संगीन अपराध सहित करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। अमरोहा में 4 दिन से लापता बीए की छात्रा का पेड़ से लटकता शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला कोतवाली डिडोली क्षेत्र का है। एटा में सिपाही ने तमंचे के बल पर अपनी साली का अपहरण किया। मामले में छात्रा की मां ने सिपाही समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के केवल नगला का है। लखनऊ में नगर निगम की ओर से पेड़ों को बचाने के लिए पेंटिंग बनाई गई। मथुरा में राधाकुंड में भक्तगण आस्था की डुबकी लगा रहे। सुबह से ही राधाकुंड में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में धनतेरस के मौके पर मोदी के सिक्कों की धूम है। इसमें सबसे ज्यादा 1000 के चांदी के सिक्के खास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाएं ट्रांसफर की। अब सुप्रीम कोर्ट में ही उन सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनियों की ट्रांसफर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को बेहद हल्के फुल्के माहौल में मुलाकात हुई। पीएम मोदी से मिलकर अभिजीत बनर्जी जब मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा, पीएम ने बातचीत की शुरुआत ही एक जोक से की। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है किसानों की कर्ज माफी पर भूपेश बघेल सरकार यू टर्न ले रही है। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 14 दिन के रिमांड मांगी गई। राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप बुधवार सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटों के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों पर बढ़े वैट के विरोध में इस बंद की घोषणा की है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने मंगलवार को नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस को करते हुए कहा, भारत कभी भी ऑफेंसिव नहीं रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने पहले कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमारी तरफ से जो भी बुरी नजर से देखेगा उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। नोएडा में रॉबर्ट वाड्रा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। बैक पेन की शिकायत को लेकर भर्ती हुए थे। गृहमंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, शाह एक कर्मठ अनुभवी कुशल संगठन करता है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और सदा स्वस्थ रखे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, महिला अपराध सबसे ज्यादा यूपी में है। एक साल में 56,000 से अधिक केस दर्ज है। बहुत सी घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया के सीबीआई केस में पी चिदम्बरम की जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 1,00,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। रामजी गौतम को गधे पर बिठाने को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा, पहले कांग्रेस ने बीएसपी विधायकों को तोड़ा और अब कांग्रेस मूवमेंट को आघात पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पाकिस्तान ने डाक सेवा बंद करने का फैसला भारत को किसी तरह का कोई नोटिस दिए बगैर ही लिया। पाकिस्तान ने पिछले 2 महीनों से भारत से डाक सेवा को बंद कर रखा है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए 3 मोर्टार को नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने पूंछ के एक गांव पर 3 मोर्टार दागे थे। पीएम मोदी 24 अक्टूबर को वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संसद में वोटिंग के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संघ के साथ ब्रेग्जिट समझौते वाले प्रस्ताव पर 299 के मुकाबले 329 मतों का समर्थन हासिल किया है।
मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा वो संयुक्त राष्ट्र दिए गए जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे वाले बयान पर अभी भी कायम है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने की मांग के साथ प्रस्तावित जमीयते उलामाए इस्लाम फजल के आजादी मार्च व धरने को रोकने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। कनाडा के आम चुनाव में जस्टिन ट्रूडो ने सबसे ज्यादा सीटें जीती लेकिन बहुमत से अभी भी दूर हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे लोगों पर पुलिसकर्मियों ने बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई। इस दौरान दो प्रदर्शनकारियों की मौत हुई जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। तुर्की के परमाणु हथियार बनाने की इच्छा जाहिर करने के बाद परमाणु प्रसार के लिए बदनाम रहा पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें।